पूरे देश भर में गणेश चतुर्दशी की धूम देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी के मौके पर घर घर में गजानंद विराजे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? कहा जाता है कि भगवान गणेश का जन्म उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर बनी खूबसूरत झील टोटीताल के पास उन्होंने जन्म लिया। मान्यता है कि उत्तरकाशी जिले में माँ गंगा और यमुना का मायका कहते हैं। कहा जाता है कि डोडीताल में ही माता पार्वती ने स्नान करने से पहले द्वार की सुरक्षा के लिए अपने उबटन से गणेश भगवान को उत्पन्न किया था। डोडीताल में गजानन के साथ ही उनकी माता पार्वती भी विराजमान है। यहाँ पार्वती माता की पूजा अन्नपूर्णा के रूप में होती है, तो वहीं यहाँ माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। श्रद्धालु यहाँ माँ अन्नपूर्णा और भगवान गणेश की पूजा के लिए आते हैं। उनका विश्वास है कि भगवान गणपति अन्नपूर्णा मंदिर में अपनी माता के साथ आज भी निवास करते हैं। गजाली निवासी राधेश्याम खंडूरी ने बताया कि डूडीताल 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली षटकोणीय झील है। इसकी गहराई कितनी है आज तक कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा पाया है। कई विज्ञानियों और वन विभाग के अधिकारियों ने झील की गहराई को नापने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। आज भी इस ताल की गहराई रहस्य बनी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इस ट्रैक पर मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम मनाते हैं, और अभी ये कार्यक्रम अगोड़ा में मनाया जा रहा है। और कहा जाता है, पुराणों में भी वर्णित है कि जो डुंडी राज है, नाम से है गणेश जी का, उनका उद्गम स्थल डोडीताल में है, जहाँ से अस्सी गंगा नाम की एक नदी निकलती है, और वहीं पर ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ है, यही हमारे पुराणों में प्रसिद्ध है। यहाँ पे देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे श्री गणेश भगवान का जन्म हुआ था। इसको गणेश भगवान की जन्मस्थली भी कहा जाता है। और यहाँ पे मान पुराणा का एक प्राचीन भव्य मंदिर है, एक बहुत बड़ी झील है, जिसको देखने के बाद 22 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद श्रद्धालुओं का एक शांति की प्राप्ति होती है। झील को देखते देखकर इतनी सुंदर झील वहाँ पे है।